वही अगली खबर मध्य प्रदेश के सिरोन से है, जहां सोमवार को तहसील कार्यालय में एसडीएम को ज्ञापन देकर फर्जी नियुक्तियों की निरस्त कर कार्रवाई की मांग की गई। युवा कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र बघेल ने आरोप लगाया कि पंचायत स्तर पर सहायक पटवारी की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। अधिकारियों द्वारा मिली भगत और राजनीति दबाव के चलते फर्जी नियुक्तियां की गई हैं। शिकायत के बाद अधिकारी इस नियुक्ति के पूरे मामले को पोर्टल की गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको बता दें कि फर्जी नियुक्ति का यह पूरा मामला व्यापम घोटाले से भी बड़ा बताया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सहायक पटवारी भर्ती के नाम पर भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है। अगर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो तो व्यापम से भी बड़ा घोटाला उजागर होगा। दोस्तों एक आवेदन दिया गया था कि जो सरवारियों पटवारियों के लोकल सर्वेयर नियुक्त होना थे, उनकी बिना योग्यता के सिर्फ राजनीतिक आधार पर उनकी नियुक्तियां दी गई हैं, जिनकी जानकारी ना तो तहसीलदार साहब को है ना ग्रामीणों को है। अभी जब तहसीलदार साहब से इसमें से बात की, उनका कहना था कि पोर्टल पे त्रुटि बस चढ़ गया है। आप बताइए क्या पूरी तहसील की त्रुटि बस चढ़ गया है? अगर ये लोग आज आगे नहीं आते और त्रुटि अगर सही हो जाती, मतलब जिन लोगों से सोशल मीडिया अच्छी चलाई है उनकी नियुक्ति हो गई थी। ये नियुक्ति सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, जिनकी सोशल मीडिया अच्छी चली थी बीजेपी शासन में, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। योग्यता को एक तरफ रखा गया है, ये ग्रेजुएट हैं, डबल एम ए करे हुए हैं, लेकिन आठवीं पास में उन लोगों की मार्कशीटें नहीं देखी, उनके परसेंटेज कितने, सिर्फ ये देखा गया है उन्होंने चुनावों में सोशल मीडिया कैसी चलाई थी। आप पूरी सूची को देख सकते हैं, उन्हीं लोगों की नियुक्ति हुई है जिनकी सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा मजबूत थी। मैं सिरोंज तहसील के अंतर्गत आने वाले गाँव ग्राम करही आठ से हूँ। अभी राज्य सरकार द्वारा लोकल युवा सर्वेयर हर गांव में जगह रिक्त जगह निकली थी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन हुए थे इसी महीने में, जिसकी लास्ट डेट 15 तारीख थी। इसके बाद हमने सभी लोगों से पूछा, पटवारी साहब से पूछा कि लिस्ट में नाम आ गया है, लिस्ट आ चुकी है, तो बोले हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, आप तहसील में जाकर पता कीजिए। तो डाटा पूरा पटवारी के पास गया था पहले, फिर इसके बाद तहसीलदार साहब के पास आ गया, ऐसा पटवारी साहब बोल रहे थे। फिर इसके बाद हम तहसीलदार साहब के यहाँ आए तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ना हमें किसी प्रकार की जानकारी है और ना ये कोई लिस्ट वगैरह है। और हमने पोर्टल पे देखी है तो सभी यही जिले की नहीं, पूरे टोटल सभी जिले की, मध्य प्रदेश के अंदर सभी जिले की सूची पोर्टल पर दिख रही है, बाकायदा एक नाम आ रहा है और हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई, ना ये बता जी नियुक्ति हो चुकी है। आप देख सकते हैं पोर्टल पे हमारी आईडी खोल के, अन्य किसी की भी आईडी खोल के देख सकते हैं जिसने आवेदन किया है। यह कहना गलत है, धामी अभी कुछ भी नहीं हुआ, शासन से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं, ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं, अभी ना ही चयन किया गया किसी का, ना कुछ किया गया। अब पोर्टल की त्रुटि है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही हमारा पोर्टल का संचालन होता हमारे यहाँ से।